गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। और मेरे पास बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं कैसे जुड़ूं, कैसे उससे आगे बढ़ूं। तो मैं उसी श्रृंखला उसी कड़ी में मैं आज केडी सिंह बाबू स्टेडियम आया। और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, बच्चे यहाँ किस एज ग्रुप में आके खेल सकते हैं, क्या ये हॉस्टल प्रोवाइड कराता है या नहीं, तो इसी सब जानकारी को प्राप्त करने के लिए मैं आज यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम आया और यहाँ की क्रिकेट कोच मिस्टर आसिफ से मैंने मुलाकात की और व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ा और उनके आप लोगों के सारे क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे। तो मैं स्वागत करूँगा आसिफ साहब का, आइए जुड़िए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। और लगातार मुझसे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैं एडमिशन चाहता हूँ, क्या फीस है, क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा आप ब्रीफ करें बच्चों को। सबसे पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग और थैंक्स बोलूँगा क्योंकि आपके साथ रह कर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं आप हमारे हॉस्टल ग्रीन पार्क स्टेडियम के सीनियर भी हैं, मोस्ट सीनियर हैं, इस वजह से मैं थैंक यू कहूँगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं इस केडी सिंह में आने के बाद, बहुत सारे कैंप लगने के बाद 14, 16, 19 आपके बीच में रह के आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसलिए थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा। और एडमिशन केडी सिंह बाबू स्टेडियम का एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसेस है, जो बच्चों का सवाल है, तो जो बिगनर बच्चे हैं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनका एडमिशन इस तरीके से होता है कि 18 साल से अगर कम का बच्चा है, अगर एज में 18 साल से कम है, तो उसका 100 रुपीज़ का फॉर्म आता है और वो अप्रैल से सेशन चालू होता है और पूरे एक साल के लिए होता है 18 साल से कम के बच्चों का। 18 साल से अगर बच्चा एज उसका ज़्यादा हो रहा है तो वो 200 रुपीज़ मंथली देगा। बट ये है कि 18 साल के ऊपर के बच्चों का टैलेंट हम देखेंगे, कैसे वो बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, क्या उसका स्किल है, उसके बाद मैं उसका एडमिशन लूँगा। लेकिन जो 8 से 12 साल 16 साल तक के बच्चे हैं उनको मैं एडमिशन इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं वो बिगनर हैं, स्टार्टिंग में उन्हें सिखाना होता है, इसलिए लेता हूँ। और उनकी फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ पूरे ईयर की होती है। आसिफ भाई, एक क्वेश्चन लगातार मेरे पास ये भी आ रहा है कि हॉस्टल क्या केडी सिंह बाबू देता है? यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मॉर्निंग और इवनिंग होती है, यहाँ कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ प्रैक्टिस अवेलेबल है हॉस्टल के लिए, और भी जैसे साल में उनके लिए वो आती वैकेंसीज आती हैं जिसके ट्रायल होते हैं हॉस्टल के लिए, ग्रीन पार्क है, मेरठ है, फतेहपुर है, तो यहाँ सिर्फ केडी सिंह में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मॉर्निंग और इवनिंग होता है, जो कि टाइमिंग सुबह में 5:30 से 9 बजे तक है मॉर्निंग सेशन और शाम में 3 से 6:30 बजे तक इवनिंग सेशन है। इस टाइम मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, खासतौर जो छोटे बिगनर बच्चे हैं उनके लिए मैं सुबह का ही सेशन रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो खुद उठ के आएँ और इस चीज़ को सीखे तो ज़्यादा बेहतर। देखिए कितनी अच्छी बात आसिफ सर ने बोली, उन्होंने सीधे सीधे बोला कि हॉस्टल यहाँ पर नहीं है। हॉस्टल में अगर आप खेलने जाना चाहते हैं, ट्रायल देना चाहते हैं, उसका एक वीडियो हम लोग दूसरा बनाएंगे, उस पर हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि सेंट्रल कोचिंग कैंप क्या होता है और हॉस्टल में एडमिशन कैसे होता है। आसिफ भाई, क्या हम लोग कोई समर में कैंप लगाते हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को ब्रीफ करें। जी, समर कैंप लगते हैं, यहाँ 2 महीने का यहाँ कैंप लगते हैं, सारे बच्चे आते हैं क्योंकि उस टाइम स्कूल के काफ़ी छुट्टी हो जाते हैं बच्चों का, तो वो आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में ही समर कैंप हो क्योंकि फ़िज़िकल फिटनेस होता है, फिर उसके गेम रिलेटेड जो स्किल टेक्निक होता है वो हम कराते हैं बच्चों को। ज़्यादातर बिगनर बच्चे, छोटे बच्चे बहुत आते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं वो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर आगे स्टेट के लिए खेलने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, आप मेरे को लग रहा है पूरी तरीके से समझ गए होंगे, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एडमिशन का प्रोसेस है, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो उनकी फ़ीस अप्रैल से 31 मार्च तक 100 रुपये है। आप बीच में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अप्रैल मई जून कभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मॉर्निंग में आसिफ सर से ग्राउंड पे आके मिलिए या ऑफिस में जाके मिलिए। हॉस्टल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। 18 साल से कम के बच्चे अगर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आना चाहते हैं तो उनका ट्रायल लेते हैं, उन ट्रायल की परफॉर्मेंस अगर इनको लगता है कि वो टैलेंटेड लड़के हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो उनकी 200 रुपये महीना फीस है। तो ये छोटा सा वीडियो, मेरे को लगता है आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे
टाइमिंग मैंने आपको फिर बता दे रहा हूँ, सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक और शाम को 4:30 से 3:30 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस होती है। तो ये 2 टाइमिंग है, इन टाइमिंग में हमारे कोच, हमारा स्टाफ पूरा केडी सिंह का यहाँ पर रहता है। तो मैं एंड में ये वीडियो चूंकि मैं एंड करना चाहता हूँ, तो कुछ यंगस्टर्स को मैसेज देना हो आसिफ भाई? मैं कहूँगा पढ़ाई हो चाहे खेल हो, किसी चीज़ को आप अगर कंटिन्यू करते हो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं आप बहुत उस चीज़ में सफल होगे। और किसी भी चीज़ को करो, एवरी डे करो। एक दिन आप बहुत ज़्यादा 6 से 7 घंटा प्ले कर लिए और दूसरे दिन आपने वर्कआउट किया ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप 2 ही 3 घंटा करो, लेकिन एवरी डे करो, एवरी डे। और मैं ये कहूँगा कोई भी टेक्निक, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, ये नहीं करना है कि हमें गलत चीज़ को ऑब्जर्व करना। बॉडी मसल न्यूरो मस्कुलर सिस्टम, अगर हम गलत टेक्निक को अगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत शॉट होने लगता है, गलत बॉल की डिलीवर होने लगता है। तो मैं अगर कम करूं लेकिन कंटिन्यू करूं और शॉट में और सही टेक्निक के साथ करूं, कि जो मैं मैच में परफॉर्मेंस करना है, मैं कभी भी प्रैक्टिस करूं ये सोच के, चाहे नेट करें, चाहे हम बैटिंग करें, बॉलिंग करें, तो मैं ये सोचूं कि मैं नेट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, जितना भी करें कंटिन्यू करें, अच्छे न्यूट्रिशन लें और सही टेक्निक के साथ करें, क्योंकि बॉडी में अगर गलत चीज़ एब्जॉर्ब हो गया तो वो बहुत आगे प्रॉब्लम होती है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो आज का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। आप लोगों से कहता हूँ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हम लोग नई नई चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।